हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो फॉर श्योर पूरा सेशन जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि सिंस रिसेंटली टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, तो उसी उपलक्ष्य में 9 सितंबर तक सभी कोर्सेज पर 15% का डिस्काउंट अवेलेबल है। रिस्पेक्ट, ये पर्टिकुलर कूपन कोड आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में, एंड डेफिनेटली उसके रिजल्ट में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन और बेहतर होगी। चलिए, तो पहला सवाल आज का देखते हैं। बात हो रही है DFQF स्कीम के बारे में, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन कौन सी करेक्ट हैं वो यहाँ पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है कि भैया ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना है LDCs को, ये सबसे पहले लिया गया था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया वॉज द फर्स्ट डेवलपिंग नेशन जिन्होंने ये बेनिफिट ऑफर किया था टू द LDCs 2008 में। एंड थर्ड में कह रहे हैं ये स्कीम हेल्प करता है LDCs को कि वो और कंपेटेटिव बन सकती हैं ग्लोबल मार्केट्स में बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग देयर पर्टिकुलर गुड्स। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए, यहां पर जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है WTO द्वारा यहां पर रखा गया, WTO की मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उसी में डिसीजन लिया गया, बट वो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा वाली नहीं थी। ये हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया था कि इस प्रकार से ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना है LDCs को, बिकॉज WTO के जो खुद के फंक्शंस उनमें ये चीज लिखी गई है कि भाई उनके द्वारा जो इस प्रकार के डेवलपिंग नेशंस हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको हेल्प किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा कि वो भी बढ़ चढ़ के ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से जो आपके LDCs हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बाकी देशों में पहुंचा सकते हैं, राइट। एंड जब बाकी देश उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे उन प्रोडक्ट्स पे, तो कोई ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी, इसलिए ड्यूटी फ्री। एंड कोई कोटा भी नहीं रखा जाएगा कि इतने ही प्रोडक्ट्स हम इस देश से यहां पर रिसीव कर सकते हैं। तो ये ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस पर यहां पर दिया गया और इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया, जिसके चलते पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी क्योंकि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में नहीं हुआ था। इंडिया वॉज द वेरी वर्स्ट जो आपकी डेवलपिंग नेशन है, जिसके बेसिस पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड थर्ड तो हमने डिस्कस कर ही लिया, इसी के चलते बी ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है और वही पूरी कहानी आपको एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। भैया ध्यान रखिए, जितनी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिलती है इसको लेट गो मत कीजिए, करिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपको डेफिनेटली ये नोट्स के तरीके से हेल्प करेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होती है इस प्रकार के सेशन से। तो वो वैल्यूएशन का पूरा फायदा उठाना है तो भैया इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। अब देखो, थोड़ा सवाल देख के ना थोड़ी घबराहट हो सकती है, बट घबराना नहीं है, बस बॉन्ड यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। तो पहली सेट में कह रहे हैं कि अगर आपका जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा जा रहा है एट अ मोर प्राइस देन इट्स फेस वैल्यू, तो वो आपका नेगेटिव यील्ड बॉन्ड बन जाएगा। सेकंड में कह रहे हैं कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड एक अनयूजुअल सिचुएशन है जिसमें डेट इश्यूअर्स को पे किया जाता है कि आप बोरो कीजिए। तो दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई, थोड़ा सोचिए और क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, बेस्ड ऑन द 4 कोड्स जो कि आपको यहां पर मेंशन किए गए, वो आप करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, बट मैं एडवाइस करूंगा वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना। तो देखिए, बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कितनी आपको रिटर्न मिल रही है जब आप इस प्रकार का बॉन्ड यहां पर खरीद रहे हो। तो जो बॉन्ड्स जिन पे कूपन पेमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं उसके लिए तो हम यील्ड का फॉर्मूला यही यूज करते हैं कि भैया कितने प्राइस पे खरीदा गया और कितनी उसकी एनुअल कूपन पेमेंट्स है, राइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें यहां पर देखने को मिलता है, माफी चाहूंगा, कितना उसका एनुअल कूपन पेमेंट है और कितने प्राइस पर वो खरीदा गया, राइट। इसीलिए जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है बिटवीन द यील्ड एज वेल एज प्राइस, राइट। अब यहां पर मुद्दे की बात क्या है कि सिंस ये आपका जीरो कूपन बॉन्ड है तो मतलब कूपन रेट तो नहीं है, तो मतलब यील्ड एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी आपको रिटर्न मिल रही है। अब मान लीजिए अगर ऐसा कोई बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए है बट उसको खरीदने के लिए 1200 रुपए खर्च किए गए हैं, तो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो इन्वेस्टर उसको तो 1000 रुपए मिलेंगे, तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई रिटर्न नहीं आई है बल्कि लॉस हुआ है, हेंस द टर्म नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्या सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इस चीज को एग्जैक्टली सॉल्व कर रही है, क्या समझा पा रही है, एक्सप्लेनेशन दे पा रही है? जी हाँ, देखिए इस चीज को भी कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड एक अनयूजुअल सिचुएशन है जहां पर डेट इश्यूअर को पैसा दिया जा रहा है बोरो करने के लिए, तो एक तरीके से यहां पर 200 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम इन्वेस्टर पे करेगा यदि उसे इस प्रकार का बॉन्ड खरीदना है। जनरली इस चीज क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर लग रहा है कि बहुत अनसर्टेनिटी है, राइट, तो उस समय पर गवर्नमेंट्स भी इस प्रकार के नेगेटिव बॉन्ड यील्ड्स
इशू कर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स यहाँ पर इशू कर सकते हैं ताकि जनता अपना पैसा सेफ रख सके सरकार के पास, पर सरकार उसमें फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पर चार्ज करेगी। बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है राइट, जिसके चलते ए ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल करेक्टली डिफाइन करा स्टेटमेंट वन को कि जी हाँ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है इन्वेस्टर को ताकि वो अपना बॉन्ड वहां पर खरीद सके एंड उसको यहाँ पर नेगेटिव यील्ड देखने को मिल रही है राइट। तो ये पूरी कहानी अगेन इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स में यहाँ पर मेंशन की गई है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस इसका समझाया गया है कि सिंस जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं होंगी तो द ओनली चांस ऑफ गेटिंग योर मनी बैक विद सम प्रॉफिट वो कब है कि अगर भैया बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज कर जाए बिफोर मैच्योरिटी राइट। बट जब आपका बॉन्ड मैच्योर होगा वो तो फेस वैल्यू पे होगा और अगर आपने उसको ज्यादा वैल्यू पे खरीदा है तो जाहिर सी बात है उस केस में आपको वहां पर नेगेटिव यील्ड ही देखने को मिलेगी ठीक है जी। एंड सिंस यहां पर आपके द्वारा एक प्रीमियम पे किया जा रहा है उस बॉन्ड को खरीदने के लिए क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं है राइट, यू आर लोनिंग द इश्यूअर मनी एट अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, एक तरीके से आप उसको एक्स्ट्रा पैसा यहां पर दे रहे हो, तो एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन रहती है जिसकी वजह से नेगेटिव यील्ड क्रिएट हो जाती है। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसके बारे में वो बताना है। पहले हम कह रहे हैं सेलेटोरी बॉडी है, सेकंड कह रहे हैं इनके जो फंक्शंस इनमें इंक्लूड किया गया है कि नेशनल रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा ऑफ द प्लांट वराइटीज, एंड थर्ड में कह रहे हैं जो डिसीजन हैं इस अथॉरिटी के दे कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। तो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। देखिए ये जो पूरी वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में कब रही थी, जब पेप्सिको वाला केस चला था कि उनकी एक पोटैटो वैरायटी थी जिसको गुजरात के कुछ फार्मर्स ने बिना उनसे परमिशन लिए उगाना शुरू कर दिया था जिस पर पेप्सिको ने सू कर दिया था राइट। तो बेसिकली ये जो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं बिल्कुल करेक्टली दी गई हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी बाय द मीन्स ऑफ एन एक्ट जो कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट के माध्यम से ही था, एंड इनके द्वारा उस प्रकार से प्लांट वैरायटीज का नेशनल रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। एंड यही जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि भैया पेप्सिको ने गलत किया है, दे डोंट हैव एनी राइट कि इस तरीके से वो कंपनसेशन के लिए डिमांड नहीं कर सकते इन फार्मर से, तो वो जो डिसीजन था फिर वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था राइट। दिल्ली हाई कोर्ट तक आपका वो केस पहुंचा गया था जिसमें पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इन फेवर ऑफ अथॉरिटी यहां पर डिसीजन सुनाया, फिर बाद में दोबारा से अगेंस्ट यहां पर चले गए थे राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं जिसके चलते डी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स जहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी जो कि 2001 के एक्ट के आधार पर स्थापित की गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी इंडिया में, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि भैया जो प्लांट वैराइटीज उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाए, फार्मर्स के जो राइट्स उनको अपहोल्ड किया जाए, डेवलपमेंट को यहां पर इंक्रेज जाए कि ताकि जो आपके ब्रीडर्स के राइट्स हैं उनको भी हम यहां पर प्रोटेक्ट करें एंड साथ साथ जो फार्मर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाए। तो एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे यहां पर पूछता हूं, थोड़ा सोचिएगा इस चीज के बारे में, बट सिंपल सा सवाल है, क्या हमारे देश में सीड वैराइटीज के लिए क्या पेटेंट ग्रांट किया जाता है कि किसी ने कोई नई सीड वैराइटी बनाई तो उसको क्या पेटेंट दिया जाएगा? जरा कमेंट बॉक्स इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। चलिए अगला सवाल सिंपल सा है, ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड कि भैया इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके चलते हम ट्रेड डेफिसिट को इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए और इसके बारे में बताइए। क्या इंपोर्ट करेंगे, अगर हम इंपोर्ट टैरिफ्स यहां पर इंपोज करेंगे उससे फायदा मिलेगा, या हम FTAs नेगोशिएट करें बाकी देशों के साथ, या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी यहां पर लेके आए, या करेंसी मैनेजमेंट करें। द कीवर्ड इज कैन इंप्रूव, नेसेसरली नहीं लिखा कि इंप्रूव करेगा करेगा, किस किस का इंपैक्ट पड़ सकता है राइट। तो चार ऑप्शन दी गई हैं, कितनी ऑप्शंस का यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा वो बताइए। तो देखिए पहले देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है तो मतलब क्या है कि इंपोर्ट ज्यादा है राइट एंड एक्सपोर्ट कम देखने को मिल रहे हैं राइट। तो यहां पर इंपोर्ट टैरिफ्स लगा रहे तो डेफिनेटली इंपोर्ट थोड़ा रिड्यूस होगा, तो जाहिर सी बात है ट्रेड डेफिसिट यहां पर इंप्रूव होगा राइट। FTA अगर हमारा नेगोशिएट हो रहा है बाकी देशों के साथ तो हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहां पर बढ़े, तो एक्सपोर्ट यहां पर इंक्रीज हो सकता है राइट, जिसकी वजह से अगेन ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव हो सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की, भैया जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको डोमेस्टिकली यहां पर तैयार किया जाए, अगेन उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट यहां पर कम होता हुआ देखने को मिलेगा, अगेन जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव कर सकता है राइट। मैं अपवर्ड ट्रेंड का मतलब ये कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा नहीं इंप्रूव करेगा राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट करेंसी मैनेजमेंट की जा रही है कि मान लीजिए सरकार यहां पर डिवेल्यूशन कर देती है तो उसकी वजह से अगेन हमारे एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटेटिव बन जाएंगे, एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं राइट। तो ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इनका इंपैक्ट पड़ सकता है, और वही पूछा गया है कि कैन इंप्रूव, नेसेसरली नहीं लिखा गया है, तो ऐसी टर्म्स का ध्यान रखना है कि डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बट उस हिसाब से देखा जाए तो चारों के चारों ऑप्शन हमारी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है एंड डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
राइट, तो सेवरल फैक्टर्स जो कि कंट्री के ट्रेड बैलेंस को यहाँ पर इंपैक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले सिस्टम्स यहाँ पर यूज किए जाएं, एक्सचेंज रेट्स को यहाँ पर हम अगर मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि चाइना भी करता है, बार बार उनके ऊपर एक्विजिशन लगाई जाती है। जैसे अगर हम यूएस की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट देखें, राइट, जब से वो लिस्ट बनाई गई है तब से चाइना का नाम उस लिस्ट में रखा ही रखा गया है कि नहीं, ठीक है जी। तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, फिर बात करते हैं आज के लास्ट सवाल के बारे में, आरबीआई द्वारा जो सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बहुत बार ये टॉपिक डिस्कस होता रहता है, पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भैया, समझ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। पहले मैं कह रहा हूं, जो आपका सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है तो गवर्नमेंट, इट इज कंसिडर्ड एज नॉन डेट कैपिटल रिसीट। सेकंड में कह रहे हैं, जो सरप्लस ट्रांसफर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए किया गया, इट इज द हाईएस्ट एवर ईयरली सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट बाय द आरबीआई। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आरबीआई के ट्रांसफर्स हैं इस प्रकार के सरप्लस के टू द गवर्नमेंट, इट इज एज पर सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा देखने को मिलेगा, बट कंसेप्चुअल बेसिस पे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपसे पूछी गई है, माफी चाहूंगा आंसर शायद आपको पहले दिख रहा है यहां पे। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपसे पूछी गई है, तो सरप्लस ट्रांसफर जो यहां पर सरकार को किया जाता है ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट में नहीं आती, ये बेसिकली नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू रिसीट में आती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में यहां पर इसे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आंसर पहले देख लिया था राइट, तो इसे उस तरीके से यहां पर इंक्लूड किया था, जिसकी वजह से ए स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। बाकी बी 2023 में भैया 23-24 के साल में मेजर यहां पर सरप्लस ट्रांसफर किया गया भारत सरकार को, अभी हम फिगर्स भी यहां पर देखेंगे। एंड ये जो पर्टिकुलर ट्रांसफर है ये एज पर सेक्शन 47 ऑफ द आरबी एक्ट ऑफ 1934 के हिसाब से किया जाता है। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन आपके यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो 2023-24 में 210,873 रुपए का, करोड़ रुपए का यहां पर सरप्लस ट्रांसफर किया गया था, ठीक है जी, सरकार द्वारा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए तो 0.6% ऑफ जीडीपी यहां पर देखने को मिलता है। तो हाईएस्ट एवर ये देखने को मिला है, और पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो मोर देन डबल यहां पर ट्रांसफर किया गया है राइट। तो जितना भी सरप्लस ट्रांसफर है फ्रॉम द आरबीआई टू द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है जी, और ये इस एक्ट के हिसाब से यहां पर किया जाता है। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर अनाउंसमेंट भी की गई थी कि जो आरबीआई द्वारा कंटिंजेंट रिस्क बफर यहां पर मेंटेन किया जाता है उसको भी यहां पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है जी, टू 6.5%। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी कहानी है इस पर्टिकुलर सवाल से रिलेटेड। आई होप आपने इसको करेक्टली सोचा हो, एटलीस्ट कि आपको पता हो कि भाई ये जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट ना होते हुए ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। चलिए, तो ये थे हमारे 5 सवाल जो आपसे होमवर्क पूछा था। एक तो उसका मेंशन जरूर करना है कि क्या प्लांट जो आपकी सीड वैरायटी, क्या उसके लिए पेटेंट दिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी आपका स्कोर है वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा, और रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम दिन के 5 सवाल डिस्कस करते हैं, ताकि ये आइडिया लगे कि भैया किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जा रही है, आपको एक फीडबैक मिलता रहे ताकि आप अपनी नेसेसरी एडजस्टमेंट वहां पर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टिंग की बात करें तो भैया हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज भी यहां पर क्रिएट की गई है प्रीलिम्स स्पेसिफिक। देखो, किसी भी टेस्ट सीरीज के 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, सिलेबस की कवरेज, करंट अफेयर्स कवर हो जाएं, एज वेल एज मल्टीपल रिविजन हो जाएं। तो भैया उसी तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, चेकआउट जाके जरूर कीजिए, देखिए किस तरीके से शेड्यूल यहां पर तैयार किया गया। ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप टेस्ट नहीं दे सकते, डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।